वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजन ब्लॉग्स। मैं हूं आपका होस्ट रंजन। आज हम आपके सामने लाए हैं रॉयल की साइलेंसर, जो स्वागमैन कंपनी का है। आज हम आपके सामने उस स्वागमैन कंपनी का साइलेंसर को रिव्यू करेंगे और अनबॉक्सिंग भी करेंगे और देखेंगे ये साइलेंसर का मॉडल क्या है, क्या इसका खासियत है, क्या इसका फीचर्स है, अगर ये आपको लेना चाहिए है कि नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपके साथ ये बात करना है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर चैनल को करना और बेल बटन को जरूर दबाना, जिस तरह से मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। ठीक है, तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं। रॉयल एनफील्ड की जो साइलेंसर है, स्वागमैन कंपनी का है, उस साइलेंसर की आप अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम इस साइलेंसर को बाय कैसे करते हैं, इसके बाद बारे में बात करने हैं आपके साथ से। ये करोलबाग दिल्ली का कंपनी है, आप लोग जानते हैं स्वागमैन, जो इंडिया के नंबर वन माना जाता है साइलेंसर की मैन्युफैक्चरिंग बारे में। प्रकाश चौड़ा उस कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, उसके पास से हमने इसको ऑनलाइन बाय किया है और देखते हैं आप अनबॉक्सिंग करके क्या यह इसका फीचर्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये बहुत बड़ा और हेवी सा साइलेंसर है, इसका जो वेट है अराउंड 6 kg है। ये इसकी पैकेट की पास लिखा हुआ है ये 6 kg का है। पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है लगता है मेरे को, आप लोग देखना ये साइलेंसर कैसा है। देखिए बहुत ही हेवी है ये साइलेंसर, 6 kg का साइलेंसर है। मेरा जो बाइक है सिग्नल 350 मॉडल का है ब्लैक, इसीलिए मैं उसके साथ इस मॉडल का चॉइस किया है। ये ब्लैक एंड टिप में ये क्रोम कलर का फिनिश दिया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जरूर लगता है। स्वागमैन का साइलेंसर हर साइलेंसर ही होता है, बहुत हेवी भी है। आप देखते हैं इसकी साइलेंसर को ऊपर की पार्ट्स में जो स्वागमैन का जो मॉडल है वो लोगो भी यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, इसका जो क्रोम पोर्शन है देखते हैं, बहुत ही ठीक और क्वालिटी वाला क्रोम पोर्शन है, हाई क्वालिटी का ठीक बनाता है ये साइलेंसर, इसलिए इसका वेट भी 6 kg है। अब देखते हैं इसका जो अंदर की बात लगता है कैमरामैन नोटिफिकेशन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसका अंदर में एक पारफोरेटेड जालीदार ट्यूब होता है इसकी अंदर में, जो इसकी जो साउंड में जो हार्शनेस है, अदर्स कंपनी का जो साइलेंसर है उसके साउंड बहुत लाउड होता है। इसके मजा क्या होता है, आप तो गाड़ी को स्टार्ट करके चला जाएगा लेकिन आसपास के जो पड़ोसी है वो इस साइलेंसर की साउंड सुनकर बहुत घबरा जाता है। लेकिन ये स्वागमैन का साइलेंसर इस तरह से नहीं बना हुआ है, इसके अंदर एक जालीदार पारफोरेटेड ट्यूब है, आप लोग देख सकते हैं जालीदार ट्यूब देखा जा रहा है शायद कैमरा में, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए। एक जालीदार पारफोरेटेड ट्यूब है, वो क्या करता है इसका जो साउंड है उसको हर साउंड को सूस लेता है, इसीलिए इसका साउंड जो है बहुत थम हाई क्वालिटी का है और ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं करता है। ठीक है, ये साइलेंसर इसी बारे में ही खासियत है स्वागमैन कंपनी का साइलेंसर। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसका जो क्रोम पोर्शन है ना, बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है। इसका जो ब्लैक कोटिंग है हाई क्वालिटी का कोटिंग है इसके साइलेंसर, और इसके अंदर में इसके जो फिटिंग्स के जो नॉब होता है वो भी अच्छी तरह से दिया हुआ है, इसीलिए मेरे ये साइलेंसर को बहुत ही अच्छा लगा है। साइलेंसर क्रोम टिप वाला है और इसका जो थिक पोर्शन है बहुत ही हेवी है, ठीक है, इसलिए ये साउंड बहुत अच्छा निकल गया, ये मेरा मानना है। अगर अगले वीडियो में जब मैं इसका फिटिंग करके आपको बताऊंगा कि इसका साइलेंसर का साउंड कैसा है। और एक बात करना है आपको इस साइलेंसर के बारे में, जो ये जो साइलेंसर है ये सिरामिक उल से बना है, कोई भी ग्लास उल से नहीं है, सिरामिक उल से बना है। इसका फैसिलिटी ये है, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, सिरामिक उल का जो साइलेंसर है ये गर्म नहीं होता है, ये हीट रेजिस्टेंट होता है। इसीलिए क्या है, इसके ऊपर अगर पाव भी रखते तो पाव में छीला नहीं आएगा, ये हीट रेजिस्टेंट होता है। और इसका जो थिक है मैंने बताया, इसका जो टिप पोर्शन है वो बहुत हेवी है और इसमें जालीदार पारफोरेटेड ट्यूब है, वो क्या करता है इस साउंड हार्शनेस को सूख लेता है, इसीलिए इसका जो साउंड है बहुत ही हाई क्वालिटी का साउंड है। देखते हैं बहुत ही साइलेंसर बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और पैकेटिंग के बारे में इसका जो साइलेंसर आता है वो बहुत
अच्छी तरह से पैकेटिंग होके आता है। सॉफ्टमैन का जो ऑनर है प्रकाश जी, वो बहुत ही बढ़िया दिल के इंसान है, मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे हाउस तक ये इसको भेज दिया है कुरियर की तरफ से। अगर आपको भी भेज बाई करना है सॉफ्टमैन के साइलेंसर, तो आपने आप भी डायरेक्ट उसके साथ बात करके साइलेंसर को ले सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टमैन का साइलेंसर आप देख रहे हैं, वह उसका जो ताज है साइलेंसर की पैकेट के ऊपर एक ताज बना जाता है, इसीलिए ये बहुत इंडिया में फेमस साइलेंसर है। और इस पर यहाँ पर देखते हैं उसका जो एड्रेस है, वहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है। और ये जो साइलेंसर मैंने बाय किया है, इसका जो मॉडल है ये भी आपके पास आपको दिख रहा है साइड, देखिए ये बिग कोबरा मॉडल है। बिग कोबरा है जो साउंड ज़्यादा हार्शनेस भी नहीं होता है, लेकिन थंप बहुत अच्छी है, क्लियर है। ये बिग कोबरा मॉडल है, मैंने इसको लिया है। और एक बात करनी है आपको, इसके साथ क्या क्या मिलता है, इसके साथ जो फिटिंग्स बोलता है, एक ही पैकेट में आप देखते हैं सारे नट बोल्ट पार्ट सब भी मिलाता है। और एक बात करना है, इसके साथ ये आता है, ये BS4 वाला बूस है। जो BS4 वाला बूस का काम यह है कि ये यहाँ पर फिटिंग्स होता है, यहाँ पर फिटिंग्स होते ही ये साइलेंट सर्किट लगा जाता है, जिससे क्या होता है साउंड नहीं फटता है। अगर ये अच्छी तरह से फिटिंग्स ना करते हैं तो साउंड फट जाता है। तो ठीक है, ओके। तो अभी हो गया मेरा साइलेंसर की रिव्यू, बोलिए कि अनबॉक्सिंग बोलिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करिए। और मेरे अगले जो वीडियो है उस पर आप आपके साथ शेयर करेंगे। इसको लगाने के बाद मेरा दोस्तों यहाँ पर ख़त्म करता हूँ मेरा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और मेरे आगे वीडियो में हम बात करेंगे इसकी साउंड के बारे में, आपके साथ मैं शेयर करूँगा मेरे बाइक में ये रॉयल एनफील्ड का जो सिग्नल मॉडल में ये सॉफ्टमैन साइलेंसर को फिटिंग करने के बाद इसका आवाज़ कैसे आता है, उस साउंड के बारे में आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक इंतज़ार करिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।